नमस्कार दोस्तों समाचार एकांश के खास कार्यक्रम जनादेश 2019 में आप सबका स्वागत है मैं हूं अनिल त्रिपाठी जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश की लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव का यह दौर चल रहा है सात चरणों के इस चुनाव में कल दूसरा चरण होगा और जहां तक बात है इस आम चुनाव की तो इस आम चुनाव में खास बात भी देखने को मिल रही है वो खास बात क्या है वो खास बात यह है कि चुनावों से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था बहुत महत्वपूर्ण फैसला वो था और वो फैसला था किन्नरों के समूह को लेकर के उन्हें तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने का तो आज हमारे जनादेश कार्यक्रम में जो चर्चा का विषय है जो मुद्दा है हमारा वो ये है कि चुनाव में किन्नर समुदाय की भूमिका विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए आज हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और एडीआर के प्रदेश समन्वयक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी और चूंकि ये मुद्दा है किन्नरों से संबंधित तो किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व तो करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पायल सिंह जी पायल जी और शर्मा जी आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो धन्यवाद त्रिपाठी जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया तो निश्चय ही इसका असर आना लाजमी था और ये समुदाय विशेष रूप से जहां तक किन्नरों का प्रश्न है तो वो भी हमारे आपके बीच समाज का ही हिस्सा है तो उनकी भी कुछ समस्याएं हैं उनकी भी कुछ बातें हैं उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं तो पायल जी सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं? इस चुनाव में जो मुद्दे हैं वो हम लोग के जो समाज के लोग हैं सबसे पहले तो हमारा मुद्दा है कि जो किन्नर समाज का जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड नहीं बना है सबसे पहले तो हमारा यही मुद्दा है कि सबसे पहले तो हमारे वोटर कार्ड और आधार बनने चाहिए जिससे कि ये जो पाँच साल में हमें एक मिलता है कि अपने पांच साल के जीवन का फैसला करने का जो हम लोग करते हैं तो वो करने का जो हक है तो हमें भी मिलना चाहिए और मिलने के लिए हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे वोटर कार्ड और आधार कार्ड पर ध्यान दें क्योंकि हमारे जो इसमें किन्नर हैं बहुत से किन्नर ऐसे हैं जो बेघर हैं उनके पास रहने के लिए घर नहीं है क्योंकि जो आजकल चीजें आ गई कुल मिला के सब आधार पे आ गई हैं हर चीज में होता है आधार लाइए अगर आधार है तो ठीक है अगर कहीं जाते हैं वो बाहर तो आधार नहीं है तो कहीं उनको रुकने की जगह नहीं मिलती जिसकी वजह से किन को स्टेशन पे सोना पड़ता है मजबूरन लोगों के वहाँ जाके मदद मांग के लेटना पड़ता है तो ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है कि हमारे पास हमारे देश की एक पहचान नहीं है तो ये कितनी अजीब बात है तो मैं सबसे पहले हमारी यही मुद्दा है कि आधार और हमारा जो वोटर कार्ड है जो हमारा पांच साल में जो हमें चुनने का एक हक मिलता एक वो है वो चीजें मिलती हैं ये हमें सबसे पहले मिलना चाहिए ठीक ठीक बिल्कुल सही आपने बात कही है कि ये निश्चित रूप से आपका अधिकार है और ये आपको मिलना ही चाहिए जहाँ तक मेरी जानकारी है लगभग 25 लाख के आसपास की संख्या पूरे देश में आपके समुदाय की है क्या हमारे दर्शकों को कुछ आप जानकारी दे पाएंगे कि लखनऊ का जहाँ तक प्रश्न है जहाँ से आप इस समय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लखनऊ में हमारे यहाँ लखनऊ में कम से कम इस समय छह हजार किन्नर हैं लखनऊ के अंदर हमारे आ, तो मैं देख रही हूँ लखनऊ में 6000 हजार किन्नर है लेकिन वोटर कार्ड सिर्फ डेढ़ सौ हैं डेढ़ सौ लोगों के वोटर कार्ड है तो ये कितने मतलब अजीब सी बात है कि सभी की दिली इच्छा थी कि हम भी वोट डालेंगे और अपने पांच साल का भविष्य चुनेंगे लेकिन सबके भविष्य की जो तमन्ना थी सबके दिल्ली में रह गई सिर्फ डेढ़ सौ लोग ही अपनी उस खुशी को जाहिर कर रहे हैं कि हम अकेल बार पहली बार वोट डालेंगे क्योंकि हर बार किन्नर वोट नहीं डालना था ये अबकिल है जो डेढ़ सौ वोटर कार्ड आए हैं जिसमें कि अप्रील किन्नर जाएगा और वोट डालेगा और सब लोग कह रहे हैं कि हम सब एक साथ चलेंगे कितना मजा आएगा फिर वोट डालेंगे लोगों के पायल जी पायल जी निश्चय ही ये बहुत ही ये आपके लिए ही नहीं ये हम सब के लिए सामाजिक तौर पे ये बड़ी विडम्बना है कि आपकी छह हजार की यहाँ पे संख्या और मात्र आपके डेढ़ लोगों को ही वोटर आईडी कार्ड मिल पाए वजह आपको क्या लगती है किस वजह से सबके कार्ड नहीं बन पाए ये वजह सबसे पहले ये है मैं कई जगह लेके गई हूं तो सबसे पहले आधार के लिए भी हम लोग कुछ दिन पहले गए हुए थे तो वहां पर उन्होंने हमें सीधे सीधे बताया हम लोग पहली बात तो डेढ़ घंटे लाइन में लगे रहे इतनी लंबी जीपीओ में लाइन थी डेढ़ घंटे लगे रहे जब डेढ़ घंटे बाद हमारा नंबर आया उस स्थान पे पहुंचे तो वहां के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने नेताजी से लिखा के भी ले गई अपने क्षेत्र के जो होते हैं लोग में तो वहां लिखाने के बाद उनको दिखाया करने लगे इसका कोई महत्व नहीं सबसे पहले आप नगर निगम जाइए वहाँ पर पांच सौ खर्चा होंगे और अपना जीवन के उसके लिए बोलिए वहां पर तो अब ये बताइए वो कह रहे हैं कि अपना बताइए जन्म आप पैदा कहाँ हुई है अगर किन्नर को यही पता हो कि हम पैदा कहाँ हुए हैं, तो फिर वो इस तरीके की बात क्यों करे वो किन्नर क्यों कहलाए फिर वो अपने घर परिवार से जुड़ के ना रहे और हर चीज उससे ना मिल जाए कुछ तो ऐसे किन्नर हैं जो अपने घर परिवार से जुड़े हैं चलिए ठीक है उनके वोटर कार्ड आधार कार्ड घर वालों की वजह से बन जाए लेकिन कुछ ऐसे हमारे यहाँ पड़े हैं कि जिनको अपने माँ बाप के बारे में पता नहीं वो किस दुनिया से आए हैं और कौन उनको छोड़ के गया है तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए कितनी शर्म आती है कि हमारे इस इंडिया देश में आ, अभी भी ऐसे लोग हैं जो वोटर कार्ड आधार कार्ड के बिना रह रहे हैं तो ये कितनी शर्म वाली बात है कि हमें लाइन में लगने के बाद पाँच सौ रुपए हमसे मांगा जाता है तो ये कितनी अजीब बात जो दुनिया से मांग के अपना पेट भरता है उससे उल्टा मांगा जाता सिर्फ उसकी पहचान के लिए तो ये कितनी खराब चीज है की पहचान के लिए हमें पैसे देने पड़े अपनी पहचान थे, के लिए ये ये निश्चित रूप से ये विडंबना है ये बड़ा ही पूर्ण विषय आप उठा रही हैं और अनिल जी आ, सुना तो आपने पायल जी को तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसमें सामाजिक विद्रूपता के साथ साथ शासकीय स्तर पर जो कहीं ना कहीं कह लीजिए विषमताएं हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया चुनाव आयोग ने इनको तीसरी श्रेणी के रूप में मान्यता दे दी अन्य का बाकायदा कॉलम हो गया सारी चीजें तो हो गई लेकिन धरातल पे वास्तविकता क्या है नहीं त्रिपाठी जी जहां तक पायल जी की बात है तो सबसे पहले मेरा इनका परिचय वैसे तो आज मुलाकात हुई लेकिन एक कथाकार है भीष्म महेंद्र भीष्म उन्होंने इनके ऊपर एक कहानी लिखी थी सबसे पहले इनसे इनसे इनका परिचय मुझे उस कहानी के माध्यम से हुआ और जिस संवेदनशीलता से उन्होंने किन्नर समाज के दर्द को उकेरा था उसे निश्चित रूप से एक चीज बनी थी कि ये किस किस तरह से जन्म से लेकर के किस तरह की तमाम त्रासद स्थितियों में ये लोग जीते हैं और उसके बाद अब जब उनके मन में ये आया है कि हम भी ओढ़ दें दूसरी तरफ मैं एक बड़ी खुशी की बात कर रहा हो सकता पायल जी की भेंट ना हुई यहां पे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रदेश के एल वेंकटेश्वर लू वो पहले जालौन में डीएम रहे मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं और वो व्यक्ति ऐसे हैं काम करने में कि वो बिल्कुल डूब के काम करते हैं पूरी टीम के साथ और तो इस समय उनकी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर बने ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम इस साल चुनाव आयोग ने करवाए हैं चुनावी पाठशाला और तमाम तरह की आ, एक डीएम है बांदा के हीरा लाल जी उन्होंने नाइन्टी प्लस का लक्ष्य ले रखा है जालौन के डीएम है उन्होंने 80 परसेंट से ऊपर लक्ष्य रखा हुआ है वहां एक डी आई एस है भगवत पटेल वो लोग भी उसमें जुटे हुए हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इनका अगर 6000 हजार यहां संख्या जैसे इलाहाबाद में कुल या उनसठ साठ है किन्नर की मतदाता तो ये बड़ी हम एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि शत प्रतिशत मतदान हो उसके लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है उसके लिए एल वेंकटेश्वर लोग पूरी टीम के साथ जगह जगह प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और उसके बाद ये निकल के आ रहा है कि भाई अगर जिनके पास मकान नहीं है जैसे एक और भी होती है गड़िया लोहार जिनको कहते हैं जिन्होंने राणा प्रताप के साथ अपना घर छोड़ दिया था उनके पास भी घर नहीं होता उनकी बैलगाड़ी ही घर होती है इनको ये बताने में जब माँ बाप शर्म करते हैं कि भाई ये किन्नर है थर्ड जेंडर है और वो उनसे दूरी बना लेते हैं तो वो बाहर आकर निकल के आते हैं उनके पास मकान नहीं भी है तो भी चुनाव आयोग और अन्य लोगों को ये संवेदनशीलता दिखानी चाहिए कि इनके ज्यादा से ज्यादा वोट बनते कोई घर नहीं है मान लीजिए तो उसका कोई विकल्प ढूंढा जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हम कैसे शत प्रतिशत वोट की बात करते हैं अगर छह हजार में केवल हम लखनऊ में एक सौ इक्यावन लोगों के वोट डलवा पाते हैं या उनमें से भी कुछ करते हैं तो ये जो संवेदनशीलता का प्रश्न है और इसके साथ भी शत प्रतिशत वोट का जो प्रतिशत है तो वो कहाँ ले जाएगा अगर हम लोगों ने इस ओर पे मैं उनसे अनुरोध भी करता हूं लू साहब से अभी भी अगर नहीं अनिल आप, आप, जी आप चूंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जैसी संस्था के प्रदेश समन्वयक हैं इसलिए आज ये अच्छा मौका है पायल जी, जी के लिए भी कि आपके माध्यम से अपनी बात ये चुनाव आयोग तक पहुंचाएं और आपका भी ये धर्म फर्ज बनता है कि चूंकि आप उस संस्था से जुड़े हैं आपके सामने प्रश्न उठा है तो आप निश्चित ही इसके ऊपर कुछ संज्ञान लीजिए पायल जी जान लीजिए मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप लू साहब से मिली नहीं होंगी भाई देवे अगर मिली होती तो इसका कुछ ना कुछ हल निकल आता लेकिन हम लोग इसको पूरी कल ही इस बारे में जाके बात करेंगे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो किया जाएगा जैसे दिव्यांगों के लिए ऐप बने और दिव्यांगों के लिए काम हुआ इसी तरह थर्ड थर जेंडर अगर उत्तर प्रदेश में पचास साठ हजार भी हो उसकी संख्या कुल मिला के तो उनका अगर मैक्सिमम वोट बनेगा तो निश्चित रूप से देश को बनाने में उनका योगदान होगा और वो चाहते भी हैं कि वो वोट के माध्यम से लगे कि हमारी भी सरकार हम में बनने में इस सरकार बनने में हमारा भी योग अरे भाई ये ये भी मनुष्य है इनकी भी वो सारी समस्याएं हैं जो हम आम इंसानों की हैं ये भी महंगाई से दो चार होते हैं इनके भी मुद्दे मुद्रा स्पीत से संबंधित हो सकते हैं इनके भी मुद्दे रोजगार से संबंधित हो सकते हैं घर मकान की इनकी भी आवश्यकता होती है तो निश्चय इस दिशा में ध्यान दिया ही जाना चाहिए ये आपके माध्यम से हम चुनाव आयोग से भी अनुरोध करेंगे और अनुभव साझा करना चाहता हूँ जी जी बांदा में जालौन में और कई जगह मैंने देखा कि किन्नर समाज ने पिछला जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था जी। उसमें इन लोगों ने बाकायदे पूरी जो रैली निकाली उसमें सबसे आगे नाचते गाते हुए लोगों को किया था तो अन्य समाज जो खाली रैली में चल रहा था उससे ज्यादा मेहनत करते हुए नाचते गाते हुए इन्होंने पूरे गहने पहन करके और पूरा दिखाया कि हम समाज के वो अंग हैं और हम चाहते हैं कि समाज में ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े तो जो ये लोगों से मांग कर रहे हैं उन्हीं का वोट नहीं है इससे ज्यादा त्रासद स्थित क्या होता नहीं देखा, देखा, देखा जाए ना तो जैसे आपने भी सर ने कहा कि दिव्यांगों के लिए इतना कुछ किया है तो मैं देखती हूँ कि जो समाज में जो अधिकारी हैं, वो उनके साथ खड़े होना पसंद करते हैं लेकिन किन्नर के साथ खड़े होना नहीं पसंद करते हैं। कहते हैं इनके साथ कौन जाएगा अपनी हंसी उड़ाएगा क्या यार इनको कहा इनको कैसे लिया आए हो एक अगर दिव्यांग आदमी उसके साथ खड़े हो जाएंगे उसको गोदी में ले लेंगे उसके साथ फोटो खिंचा लेंगे और अगर हमारे किन्नरों की बात आ जाए तो कहेंगे तुरंत उसमें कटिंग काट लेते नहीं नहीं आप खिंचाओ आप खिंचाओ तो ये चीज पहले, पहले, पहले से फर्क आया जी, है जी इस पहले में हम, पहले से फर्क हम, हम भी हम भी सहमत हैं यहाँ अनिल जी से कि निश्चय ही सामाजिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव हर पाँच साल बाद चुनाव आते हैं और नई सरकारों के गठन होते हैं लेकिन थर्ड जेंडरों की समस्या का निदान नहीं हो पाता क्योंकि ना तो ये इतनी संख्या में हैं जो किसी पार्टी के पक्ष में वोट करके सरकार गठन में भूमिका निभा सके मुताबिक इनकी कुल मतदाता संख्या प्रदेश में आठ है जी सर आने वाली सरकार से हमें ये उपेक्षा है कि हमको जो अभी तक की मान्यताएं नहीं मिली हैं और जो आज हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आज जो 15 16 साल से हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं अपने अधिकार पाने के लिए उन अधिकारों को हम लोग अच्छी तरह से आज तक भी नहीं पा पाए समाज में रहकर तिरस्कार का दंश झेल रहे किन्नर समाज अपनी मांगों को बार-बार सरकारों के सामने उठाता रहा है लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ लोगों की खुशियों में अपने को शरीक कर गीतों के माध्यम से बधाई देते हुए अपने जीवन का संचालन करते हैं इसके बावजूद समाज से इन्हें सिर्फ तिरस्कार ही मिलता है नाम लिस्ट जरूर में नाम जरूर आ गए हम लोग वोटर जरूर बन गए लेकिन जो हमारी समस्या हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप को हम लोग हर समाज से फेस करते हैं जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो प्रॉब्लम हम लोग की अभी कभी खत्म नहीं हुई है ऐसा नहीं है कि इन सभी में शिक्षा का अभाव हो बड़ी संख्या में इनमें पढ़े लिखे भी हैं लेकिन इनको नौकरियों में नहीं लिया जाता जिसकी वजह से इनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है और ये लोगों से मांग मांग कर अपना जीवन गुजारने लगते हैं जी हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पढ़े लिखे किन्नर समाज के लोग हैं जो किन्नर थर्ड जेंडर हैं और जो किन्नर समाज के किन्नर लोग हैं जो ऊंचे तबके के हैं तो उनका तो भरण पोषण हो जाता है उनके चेहरे उनको उनको कमा के देते बूढ़े पुराने लोगों को उनको कमा के देते हैं और जो बेचारे जो उस लायक नहीं हैं जो उनके उनको कमा के देने वाले नहीं उनके लिए नौकरी भी हो उनके लिए पेंशन भी हो बुढ़े पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं बुजुर्ग के है उनके लिए पेंशन के लिए मैं कहूंगी उनको पेंशन अच्छी से अच्छी दी जाए उनके लिए समाज में हिस्सा दिया जाए कि हमको समाज से तुच्छता ना मिले हमको बराबरी का हिस्सा मिले देखा हम लोगों ने कि वाकई ये वो समाज है जिसको हमसे आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए वो बस चाहता ये है कि हमें सामान्य मनुष्य समझ करके हमारे जो अधिकार है जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी आप पूर्ति करें उनमें आप हमको भी अपने साथ शामिल करके ले करके चले अनिल जी आ, आ, मुझे, ये मुझे एक ऐसा ये, ये विषय है जिसपे वाकई ये बड़ी विडम्बना कि बताइए अभी इस रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा कि मात्र छ हजार के आसपास प्रदेश में मतदाता हैं किन्नर समुदाय से तो ये ये तो एक नहीं नहीं केवल मतदाता बने एक्चुअल संख्या नहीं है जी जैसे छह हजार तो यही है जी और बाकी सब जगह होंगे मेरा ये मानना है कि कम से कम पचास साठ हजार से कम पूरे प्रदेश में नहीं होंगे जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो साठ हजार बन पाए नहीं तो मेरा उत्तर प्रदेश में कि नरों की संख्या डेढ़ लाख से अधिक डेढ़ लाख से अधिक है पूरे देश भर में आंकड़े है जो आंकड़े पिछली जनगणना के हैं उसके मुताबिक अब हो सकते हैं उसके हिसाब से कितना कम है आठ मतदाता बनना तो मेरा अभी मैद्रोजन जैसे कहा कि चुनाव आयोग से तो हम अनुरोध करेंगे ही इसके अलावा जो संवेदनशील एनजीओ है इस प्रदेश उनको भी इसमें आगे बढ़ के आना चाहिए और इन लोगों की मदद करना चाहिए क्योंकि ये उपेक्षित तो हर तरह से हैं ही अगर हम इनकी मदद करेंगे तो निश्चित रूप से खास तौर से जैसे उन्होंने कहा कि पेंशन मिलना चाहिए अब सारा चीजें आजकल आधार पर है आधार कार्ड होना चाहिए आपका वोटर आईडी होना चाहिए ये है नहीं तो कहां से पेंशन मिल जाएगी कहां से अन्य सुविधाएं मिल जाएंगी कहां से आवास मिल जाएगा जो भी सरकार की सर योजनाएं हैं वो लाभकारी योजनाएं मिलती तो तभी जब आपके पास आधार कार्ड और पे, जो बेसिक चीजें इनके पास घर नहीं है वहां से शुरू होती है लड़ाई तो उस, उसको संवेदनशीलता के स्तर पर लड़ते हुए समाज सेवी संगठन और अधिकारीगण बी बीएलओ सबको मानवीयता के आधार पर यह देखते हुए कि हमें इनके लिए क्या कर सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, है हमारा एक अंग है तो हमें इनके लिए उसी संवेदनशीलता से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से इनका जीवन में बदलाव आएगा और ये अब छोटी सी मांग कर रहे हैं कि हमें भी वोट डालने का अधिकार हो तो वो वो सरकार भी चाह रही है वो चुनाव आयोग भी चाह रहा है तो वो मिलने में क्यों दिक्कत शर्मा जी शर्मा जी हमें लगता है जो को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जी जी उस जी। फैसले की दो महत्वपूर्ण बातें हैं एक तो ये कि तीसरे लिंग के रूप में इनको मानव समुदाय को मान्यता मिली जी जी साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश उसी आदेश में दे रखा है कि इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए जी 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 तो मेरा अपना मानना है मैं समझता हूँ कि अगर वो निर्देश चूंकि चुनाव लागू हो जाए चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो गई थी तो उसके बाद नए बदलाव नहीं किए जा सकते थे लेकिन निश्चय इस दिशा में प्रयास होना चाहिए अगर इनको अल्पसंख्यक का दर्जा जिसके हकदार है अगर अल्पसंख्यक आ, का दर्जा इन्हें मिल जाता है आ, तो फिर इनकी तमाम समस्याएं समझ तो अपने आप अपने आप हल हो जाएंगी नहीं मुझे लगता जी? सुप्रीम कोर्ट का एक मंसा और है कि थर्ड जेंडर को समाज की मूल धारा में कैसे जोड़ा जाए आप ये, 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 अच्छा, ये अच्छा अच्छा प्रश्न आपने उठाया आ, आपके दिमाग में पायल जी क्या आता है इस चीज को लेकर के कि सामाजिक स्वीकार्यता है ये तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हाल के दिनों में खाली हमारे देश के स्तर पे नहीं वैश्विक स्तर पर आपकी कम्युनिटी को जो, जो पहले के स्वीकारिता है पहले के मुताबिक बहुत अब बढ़ गई है जो प्रश्न इन्होंने कहा आपके मुताबिक वो कौन से बिंदु हैं जिनसे आपकी सामाजिक स्वीकार्यता और अधिक हो सकती है आपको क्या लगता है इसमें तो हम लोग को यही लगता है जैसे अभी हम लोगों ने पहले मेहनत की बहुत ही समाज को लेके और समाज से लोगों ने जुड़ के समाज के साथ उठे बैठे उनके न, उनकी समस्याओं का हम लोगों ने हल करवाया जाके कि जहां पर कोई नहीं जा सकता था वहां पर आजकल हम लोग पहुंच के कहीं देखते हैं किसी को कोई मुसीबत हम लोग तुरंत उतरते हैं उतर के नीचे उनसे बात करते हैं उनकी समस्या का हल करते हैं उनके साथ में जाते हैं हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती तो ये जो हम लोग करते अभी चले आए हैं हमारे जो कुछ किन्नर अभी इस तरीके कर रहे हैं जिससे कि अब लोगों में बहुत सा बदलाव आ गया हमारे प्रति एक प्यार सा जागा है समाज के अंदर कि ये लोग भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छे से लोगों से बात करते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे लोग के प्रति उन्होंने भय पैदा कर रखा है लोगों के अंदर जी, जी। कि इनसे बिल्कुल दूर रहिए ये बिल्कुल अजीब से होते हैं जैसे कि काटने दौड़ते हैं ऐसा लेकिन जब वो समाज हमसे मिलता है और हम उसके लिए कुछ कहते हैं तो वो चार में बैठ के कहता देखो हम जिनको बुरा करें तो वो हमारे लिए कितना चीज ध्यान देते हैं तो ये सब चीजें जो हम लोग कर रहे हैं मैं अपने समाज से यही कहना चाहूंगी कि अब ये ज्यादा से ज्यादा करें इतना ज्यादा करें कि लोगों के दिल में इतना प्यार बना ले कि लोग अपने आप मजबूर हो जाए कि ये मेरी औलाद है जी जी तो हमें खुशी होगी तो मैं तो अपने समाज से यही कहती हूँ कि जितना हो सके आप लोगों की मदद करें और मदद करने के बाद उनके दिल में जगह बनाए कि कल को वो अपने आप आपको मानने के लिए तैयार हो जाए कि नहीं ये मेरी औलाद इसको कुछ मत कहना तो इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं जी, जी. और हमारी एन भी मेहनत कर रही है हम भी काफ़ी कर रहे हैं हमारी एनजीओ भी जुटी हुई इसके लिए जी. तो हम लोग जितना ज़्यादा ज़्यादा हो रहा लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं लेकिन इसमें मैं इसमें मैं आ, इधर सरकार की तरफ भी कहना चाहूंगी वो भी हमारी मदद करे इसमें जी, वो भी हमारी मदद करे जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और काम कर सकें और रही बात मकान वाली दिखी अभी जो हमने पहले भी कहा था मकान के लिए मैं ये कहती हूँ कि जिनके पास आधार और वोटर अभी आपको दिख ही रहा है एक मतलब डेढ़ सौ लोगों का तो उन्होंने अप्लाई किया था लेकिन उनको मिलने से पहले वहां से कहा गया है कि कहना नहीं चाहिए सब चीजें लेकिन मैं बोलती हूँ कि वहां के अधिकारियों ने कहा दस हजार रुपए आपको देने होंगे पायल जी पायल जी देखिए ये ये तो इस तरीके के प्रश्न है कि ये खाली आपके समुदाय के लिए ही नहीं ये तो कुछ ऐसी कुरीतियां व्याप्त हैं जिनके लिए हम प्रयासरत हैं कि कैसे आ, तंत्र, उन्हें अपने समाज से हर जगह से उन्हें दूर किया जाए तो ये बुक, इसके तो भुक्त भोगी केवल आप नहीं है या आपकी ही कम्युनिटी नहीं है ये तो जनसामान्य शिकायत इस बात तो इसको कर इसको इसके लिए सरकार को इस... तो सोचना चाहिए हाँ, क्योंकि मैं बहुत देश घूमी भी हूँ मैं ऐसे ऐसे देश गई मैं देखी हूँ की वहां किन्नरों की ऐसी इज्जत है कि मैं देखती हूँ एक बार मैं अपने इंडिया को याद करती हूँ एक बार उसको देखती हूँ मैं कहती हूँ एक ये बताइए अजनबी देश जो मेरे लिए जहां पर मैंने कदम रखा वहाँ क्या सम्मान है किस तरीके की बात करते हैं लोग किस तरीके के सम्मान से बोलते हैं है और मैं अपने इंडिया में जाने के बाद जब एयरपोर्ट पे उतरती हूँ तो क्या कमेंट मिलता है पायल जी मुझे इसमें एक बात कहनी है जी जी। कि जी, हमारे जी, जो धर्म शास्त्र है जी, हमारे यहाँ जो जन्म से लेकर के और शादी विवाह तक के जो संस्कार जी, है जी, उसमें अगर धोबी नाउन ये सब है उनके से नेंग लेने का है तो उसमें किन्नरों का भी है किन्नरों विशेष स्थान है और पूजनीय स्थान रहा है मतलब ये बीच में विकृतियां आई होंगी जी, जी. लेकिन शुरू से अगर आप देखें तो इसमें एक आदरणीय स्थान रहा है का और चाहे हो नावन 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 इसली हो हो तो बारी गोस्वामी जी ने गोस्वामी जी ने जब लिखा देव दनुज किन्नर नर स्वयं जी जी ये सबको क्यों शामिल किया इसी वजह से शामिल किया कि एक तरीके से ये सामाजिक स्वीकारोक्ति थी कि समाज ने क्या दर्जा आपको दे रखा है इस कम्युनिटी को दे रखा है कि आपकी उपस्थिति के बगैर हमारा कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होना नहीं माना जाता इसलिए होता है ना लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि अब हमारा ज्ञान विदेशों में चला ना, गया ना, अब वहां से आता है तब हम जानते हैं तमाम नहीं ये जो विदेशों की आपने बात की अभी पायल जी ने अपने अनुभव साझा किए कि विदेशों में जो इन्होंने देखा किन्नरों के किन्नरों के लिए क्या वहाँ के लोगों में कैसी स्थित है उनके प्रति नजरिया उनका क्या है यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं की उसमें थोड़ी कमी आई है लेकिन जो हिकारत का दृष्टिकोण है वो नहीं वो ऐसा दृष्टिकोण है जिसे नदारद करना ही पड़ेगा मैं कई चीज देखती हूँ यहाँ पर जो शब्द यूज करते किन्नर के लिए अब तो किन्नर कहने लगे हैं जी है जो शब्द पहले यूज हाँ, करते हाँ, थे हाँ, वो शब्द कहीं से भी नहीं है हाँ, न है। ना, ना किसी रामायण में लिखा है और ना ही वो शब्द है ठीक है और मैं इन चीजों को देखती हूँ तो रही बात बधाई वाली जो भी सर ने बोला है बधाई का सिस्टम हमारा चालू हुआ है सबसे पहले गोकुल में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ जिसमे हम किन्नरों ने बधाई बजाई और उसके बाद से वहीं से बधाई का सिस्टम चला तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि अगर किन्नर किसी के घर में जाता है तो समझ लीजिए भगवान की की बधाई बिल्कुल, बजाता बिल्कुल, है बच्चे और श्री राम जब बनमास के लिए गए तब भी किन्नर वहां गए साल वहां बैठे रहे उन्होंने उनकी उन्हों तपस्या की वो जब लौट के आए श्री राम तो उन्होंने कहा अरे सब तो चले गए आप तो उन्होंने कहा हे प्रभु आपने कहा था नर और नारी चले जाए हम कहा से चले जाते हम ना नर में थे ना नारी में हम कैसे चले जाते हैं तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा इसी तरीके कायम रहेंगे और आप बधाई का काम कर तो ये चीजें मैं देख लेकिन इस इस दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम है कि उन्होंने थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज कर करके समाज की मूल धारा में लाने की बात लिए अनिल जी है। ये निश्चय ही हमारे जितने भी हम अपने खाली किसी एक धर्मशास्त्र की बात नहीं करते सभी सभी जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो किसी न किसी रूप में हर कम्युनिटी को सम्मानजनक स्थान देने के लिए प्रयास करते दिखाई पड़ते हैं आपके मुताबिक अब हम चूंकि चर्चा के अंतिम दौर में आप पहुंचे हैं ये जानना चाहेंगे कि अभी तक काफी कुछ चीजें पायल जी से भी जानने को मिली कि इनके कम्युनिटी की क्या समस्याएं हैं क्या चीजें हैं सब चुनावों में इनकी भूमिका कब ऐसी स्थिति में हम परिदृश्य पाएंगे जब लगे कि नहीं आम चुनावों में किन्नरों को भूमिका भी वो महत्वपूर्ण तो स्थान रखती है वो महत्वपूर्ण तो शब्द इनकी भूमिका के साथ कब तक जुड़ने की स्थिति आप देखते हैं त्रिपाठी जी ए, मैं तो एडीआर के ए, ए, स्टेट कोऑर्डिनेटर के हज नहीं, ये प्रश्न आपसे इसीलिए है भी। इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इनसे बात करते ही और इनकी चीजें जानते ही तय कर लिया कि 2022 का जो लोक विधानसभा सा, चुनाव इस प्रदेश में होगा उसके पहले एडीआर की तरफ से ये पूरी कोशिश होगी कि इनको और तमाम एनजीओस को जोड़ करके इनकी कोशिश होगी कि समाज के जो संवेदनशील हों इनके ज्यादा से ज्यादा वोट और अधिकार कार्ड बनवाए जाए ताकि ये संख्या सीमित ना रह जाए जो आने वाले जो नहीं देखिए ये ये जो आप बातें कह रहे हैं ये निश्चय ही ये भविष्य को देखते नहीं हमारी जिम्मेदारी भी मैं है। ये जानना चाहता हूँ इस 2019 के चुनाव में अभी भी दूसरा ही चरण कल होने जा रहा जी, है इसके बाद पांच चरण और बाकी बिल्कुल तो आप स्टेट कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से कहां तक क्या आश्वासन दे सकते हैं इनको नहीं ये चीजें अभी बाकी के पांच चरणों में बाकी और चरणों में है जहां भी ये गुंजाइश है की वोट और ये आधार बन सकता है जी उनके लिए हम लोग कल जाकर के मिलेंगे साहब से और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये समाज के इतने ज्यादा बड़ी संख्या में है और हम लोग शत प्रतिशत तो वोट की बात करते हैं चुनाव आयोग भी कर रहा है और पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा कार्यक्रम ज्यादा चीजें शुरू कर दी गई एक साल पहले से मतलब इसके पहले कभी भी लोकसभा चुनाव में या और भी चुनाव में एक साल पहले से ये गतिविधियां नहीं शुरू होती थी तो इसको हमें इसका वो उठाते हुए ये कोशिश करना चाहिए कि क्या अभी बाकी चरणों में इन लोगों को क्या वोटर बनाया जा सकता है क्या इनके अधिकार कार्ड बन सकते हैं आधार कार्ड और ये हम आपको निश्चित करना ये तो करेंगे ही और 22 में अगले भविष्य के लिए इनके लिए जो इनकी समस्याएं हैं इनके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने के लिए हम लोग जुट जाए बहरहाल ये आपका आश्वासन 2022 के लिए ज्यादा 2019 के लिए कम तुलनात्मक दिखाई लेकिन समय, हम समय से बार, बार बार ये आग्रह करेंगे कि अभी भी पांच चरण बाकी हैं इससे एक चीज कहना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट को कि जिस तरीके ये फैसले दिए उस तरीके सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए और अच्छा सोचे और ज्यादा से ज्यादा हमें सुविधाएं दें जो हम लोग लाचार हैं हम भी समाज में पूरी तरीके से हर चीज में सक्षम हो सके और कदम से कदम लोगों से मिला के चल सके यही गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट संविधान हमारा किसी को लाचार करने की स्थिति में नहीं है वो तो सबको बराबरी के स्तर पर देखता है तो ये संविधान की भी गरिमा को बनाए रखने की बात है कि इन लोगों को इनके अधिकार मिले ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि इनको इनके अधिकार मिले और आज की हमारी चर्चा का मकसद भी यही था कि किन्नर समुदाय वो ऐसा समुदाय जो हमारे ही समाज का हिस्सा है हमारा ही अंग है और हमें उसे पूरी तरीके से स्वीकार करना ही होगा ये अंतिम पड़ाव निश्चय ही आना चाहिए होना चाहिए यही हमारी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है और 2019 के चुनावों के संदर्भ में आज हमने इस मुद्दे को यहां रखा है और पूरी उम्मीद है कि अनिल जी चूंकि आप ऐसी संस्था से जुड़े हैं जिसके माध्यम से बड़ा अच्छा रहा कि आज आपकी उपस्थिति यहां रही और आपके समक्ष पायल जी ने अपने समुदाय की सारी बातें तो रखी ये सारी बातें चुनाव आयोग तक निश्चय ही पहुंचे और समाज से भी हमारी ये अपेक्षा है कि आप इस चुनाव में कम से कम इनको आप प्रेरित कीजिए इनके भी जो मुद्दे हैं वो स्वतंत्र हैं वो जिसको चाहे जहां चाहे जैसे चाहे जो सरकार अच्छी बनती उनको दिखाई पड़े जो पार्टी उनको अच्छी लगती हो कि नहीं इससे हमारी अपेक्षाएं अधिक मात्रा में पूरी हो सकती हैं उनकी तरफ ही वो जाए लेकिन जिम्मेदारी का निर्वहन सभी को इस कम्युनिटी के लिए करना ही होगा इन्हीं बातों के साथ आज की ये चर्चा यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत दर्शकों आप सबका बहुत बहुत आभार